बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सुल्तानपुर डीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आईएएस श्री इंदुमती पर बीजेपी विधायक देवमणि का बड़ा आरोप सामने आया है। कोविड किट की खरीद में किया है बड़ा घोटाला, देवमणि का यह कहना है। शासन ने विधायक के पद पर जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने जांच का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को सीएम के सचिव ने पत्र भी लिखा है। तो पूरे मामले की शीघ्र आख्या तलब की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर डीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आईएएस श्री इंदुमती पर बीजेपी विधायक देवमणि का बड़ा आरोप सामने आया है। आरोप लगा है कि कोविड किट की खरीद में बड़ा घोटाला किया गया है। तो देवमणि ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। शासन ने विधायक के पद पर जांच कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने जांच का आदेश दिया है। तो बड़ी खबर, सुल्तानपुर डीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। चंद्रमणि, सुल्तानपुर डीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है नेता या प्रतिनिधियों की तरफ से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि जो इस समय कोरोना काल के समय में अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, तो इस समय एक जो बीजेपी विधायक हैं, लहबुआ से विधायक हैं, वो देवमणि द्विवेदी, उन्होंने आरोप लगाया है जिलाधिकारी पर। और उनका कहना है जो किट थी, जो आपूर्ति के लिए कोरोना के दौरान किट दी जानी थी, उसकी जो कीमत थी वो 2800 की जगह 9950 रुपए वसूले जा रहे थे। तो उसको लेकर उन्होंने इस प्रकरण की जांच को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और जिस पर लगातार उस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि इस खत की जांच की जाए और इस पर जो भी कार्रवाई हो वो की जाए। जी बिल्कुल चंद्रमणि, पूरे कोरोना काल में कोविड किट का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया और अभी भी लोगों को जरूरत पड़ रही है, जिसकी खरीद फरकोश लगातार चल रही है। यदि ऐसे में ये आरोप सही है तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और कई लोग इसमें फंस सकते हैं। चंद्रमणि जी बिल्कुल, जिस तरह के आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप हैं, क्योंकि जो 2800 के स्थान पर 9950 की, यानी कि तीन गुने से भी अधिक कीमत ली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा है भ्रष्टाचार है। अगर इस तरह का जो वहां के विधायक ने आरोप लगाया है, तो अब इसकी जांच होनी है, और अगर जांच में इस तरह की गतिविधि आती है तो ये एक बड़े भ्रष्टाचार के तौर पर निकलेगा। अब ये देखना होगा कि क्या जो विधायक की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो सही है, और अगर सही है तो वहां के जो जिलाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी काफी अहम होगा। जी चंद्रमणि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।